भी हमने जेनर डायलॉग पढ़ाया था। जेनर डायलॉग में जेनर ब्रेकडाउन और पीएन डायलॉग में एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। तो जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन में क्या है? तो देखिए, इधर देखिए, जेनर ब्रेकडाउन, इधर देखिए एवलांच ब्रेकडाउन, इधर है जेनर ब्रेकडाउन, इधर है एवलांच ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन एवलांच, जेनर ब्रेकडाउन किसमें मिलता है? जेनर ब्रेकडाउन ऑर्डिनरी डॉप्ड, सॉरी हैवली डॉप्ड या प्रॉपरली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायलॉग में। जेनर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन इज ऑब्टेन हैवी और प्रॉपरली डॉक्ट पीएन जंक्शन। भाई जेनर ब्रेकडाउन हैवली वे में डॉक्ट किए गए पीएन जंक्शन डायोड में मिलता है, ठीक है। जितना पढ़ा था उसके आगे है एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन इज ऑब्टेंड इन ऑर्डिनरी डॉग पीएन, ऑर्डिनरी डॉग पीएन। ऑर्डिनरी डॉग पीएन जंक्शन, हाँ भेज रहे हैं, ये मिलता है ऑर्डिनरी डॉग पीएन जंक्शन। ऑर्डिनरी डॉग पीएन जंक्शन एवलांच ब्रेकडाउन इज ऑब्टेंड इन ऑर्डिनरी डॉग पीएन जंक्शन। ये एक शार्प ब्रेकडाउन है, जेनर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन इज ए शार्प बिल्कुल सार, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर एकदम से बॉन्ड, तो ये सार्प है, ये सार्प नहीं, इसमें चार्ज कैरियर्स को नॉकआउट करने में टाइम लगता है, तो ये सार्प नहीं। एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन इज नॉट ए स्टार ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन में ईजेड बराबर बीजेड अपॉन बी,
तो जो ईजन है मोस्ट इंटेंस ठीक है, यहां पर ये बराबर लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपरेटेड ब्रेकडाउन, ऑपरेटेड ब्रेकडाउन ये कोलिजन ऑपरेटेड ब्रेकडाउन, कोलिजन कोलिजन ऑपरेटेड ब्रेकडाउन कोलिजन ऑपरेटेड ब्रेकडाउन ये फील्ड ऑपरेटेड ब्रेकडाउन है, ये कोलिजन ऑपरेटेड ब्रेकडाउन। तो जेनर ब्रेकडाउन इज ऑब्टेन्ड इन हैवली और प्रॉपरली डॉप्ड पीएन जंक्शन, ये मिलता है हैवली डॉप्ड या प्रॉपरली डॉप्ड पीएन जंक्शन। Avalanche breakdown is obtained in ordinary doped PN junction. ये मिलता है ordinary doped PN junction. ये heavily doped PN junction. Zener breakdown is a sharp breakdown. ये बहुत sharp है, almost vertical. Avalanche breakdown is not a sharp breakdown. वो sharp नहीं है. इसमें charge carriers पर इतनी ज्यादा field बलकती है कि वो फील्ड बाउंड ब्रेक मोस्ट इंटेंस फील्ड और ये लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मोस्ट इंटेंस फील्ड है और ये लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड ऑपरेटेड ब्रेकडाउन है, ये कोलिजन ऑपरेटेड ब्रेकडाउन, कोलिजन होता है, चार्ज कैरियर माइनॉरिटी वाले हाईली एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, अगल बगल वाले कोवेलेंट बॉन्ड से टकराते हैं, उससे बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये कौन सा ब्रेकडाउन है? कोलिजन, और कोलिजन ऑपरेट, और ये फील्ड है इतनी लार्ज फील्ड हो गई कि डायरेक्ट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचे, ठीक है। यहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जेनर ब्रेकडाउन हो गए, कम वोल्टेज पर ही चार्ज कैरियर निकल आएगा, ठीक है। तो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ कम जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेस विथ एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज वोल्टेज
increases. ये बढ़ता है। अब आइए बच्चों, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर वो डिवाइस है, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इज ए डिवाइस बाय विच एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, ठीक है। तो रेक्टिफायर वो डिवाइस है, रेक्टिफायर इज ए डिवाइस बाय विच एसी इज कन्वर्टेड इनटू परिवर्तित होती है डायरेक्ट करंट। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस बाय विच अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस बाय विच एसी सप्लाई इज कन्वर्टेड इनटू डीसी। रेक्टिफायर में पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइज में करंट देता है और रिवर्स बाइज में नहीं। भाई अगर दी भी, अगर मान लीजिए जैसे वो तो हम कर्व बनाने के लिए, जैसे पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, या जेनर डायोड है, रिवर्स बाइज का कर्व बनाने के लिए हमने उधर मिलीमीटर में, मिली एम्पियर में करंट नापा, दूसरे तो हम तो जबरदस्ती नाप लेते हैं ना, एक्चुअल वे में उतना आसान नहीं है, ठीक है। तो वो ही तो पीएन जंक्शन डायोड और पुराने समय में डायोड भी होता, ठीक है, मतलब ट्रायोड वाल, डायोड वाल, ट्रेक्टोड वाल, कंट्रोड वाल, ये वैक्यूम ट्यूब्स ही थी, अब उसकी जगह पीएन जंक्शन डायोड। तो ये आपको पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड इन रेक्टिफायर। रेक्टिफायर है दो प्रकार के, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक है फुल वेव रेक्टिफायर। There are two types of rectifier. पहले जनरल की बात करते हैं, वही ये रेक्टिफायर है। आपने एसी सप्लाई और आपको तो आपने एसी लगाया
please. ऐसी कर ये ऐसी भी नहीं देखता, ये देखता है वेव के फॉर्म में, ठीक है, साइकिल के फॉर्म में। ये देखिए जीरो से पाई, पाई से दो प्रकार के रेक्टिफायर है, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक है फुल वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर में पीएन जंक्शन डायोड यूज होता है, ये एसी को हाफ वेव डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्टेड इनटू एसी हाफ वेव रेक्टिफायर बाई विच एसी इज कन्वर्टेड इन हाफ वेव डीसी। एसी कन्वर्ट होती है हाफ वेव डीसी, अल्टरनेटिंग करंट परिवर्तित होती है हाफ वेव डीसी, अल्टरनेटिंग करंट बदलती है अर्ध तरंग दृष्टिकारी धारा हाफ वेव डीसी। हाँ, ये डीसी का प्योर मतलब बिल्कुल एक्यूरेट होती है, आइडियल तो ऐसी है पर ऐसी मिल काम है, मिलेगी वो ऐसा एक आप साइकिल में इतनी मिलेगी वो अभी बनाए। ये तो जनरल जैसे कोई चीज बनाते हैं तो हम तो यही बात कहेंगे ना, एसी बदलेगा डीसी, पर वो बदल कहाँ पाता है, एसी बदलता है हाफ वेव डीसी में, हाफ वेव में आधे में, एक साइकिल में मिलेगी फिर एक साइकिल में नहीं मिलेगी, फिर एक साइकिल में मिलेगी फिर तो वो हाफ वेव डीसी, ठीक है। फुल वेव डीसी में पूरी हर साइकिल में मिलेगी, वो अभी बताने जा रहे हैं। देखिए ये रेक्टिफायर का पॉइंट लिख रहे हैं, रेक्टिफायर इज ए डिवाइस, इधर देखो इधर आ देखो, रेक्टिफायर इज ए डिवाइस, रेक्टिफायर वो डिवाइस है वो युक्ति है बाई विच जिसके द्वारा एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, अल्टरनेटिंग करंट परिवर्तित होती है इसमें डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस बाई विच एसी सप्लाई इज कन्वर्टेड इनटू डीसी सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई परिवर्तित हो रही है डायरेक्ट करंट सप्लाई,
एसी सप्लाई कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट सप्लाई. पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड इन रेक्टिफायर. पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग रेक्टिफायर में करते हैं. ये है रेक्टिफायर. इनपुट वोल्टेज ये है आपको मिलेगी. इनपुट एसी वोल्टेज आपको डीसी मिलेगी. दो प्रकार के रेक्टिफायर है. पूरी पूरी करंट नहीं मिलती है. एक हाफ वेव है एक फुल वेव. हाफ वेव रेक्टिफायर के द्वारा बाई विच एसी कन्वर्टेड इनटू हाफ वेव डीसी. एसी को ये बदलता है ठीक है. इसमें हाफ वेव डीसी ऐसे हाफ वेव रेक्टिफायर के द्वारा हाफ वेव रेक्टिफायर आपने एसी लगाया जीरो से पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई डीसी ये मिला है. ओमेगा की जगह साइन की जगह आईआर पहली आप साइकिल में करेंगे जीरो से आई फिर दूसरी आप साइकिल में तो एक हाफ साइकिल में मिल रही है दूसरी हाफ साइकिल में फिर मिल रही है फिर नहीं मिल रही है तो ये कहलाएगी हाफ वेव ठीक है. फुल वेव डीसी के द्वारा फुल वेव रेक्टिफायर डिवाइस अब कैसे होगी वो हाफ वेव पूरा बताइए. इज ए डिवाइस बाई विच एसी इज कन्वर्टेड इनटू फुल वेव. AC is converted into full wave DC. Alternating current बदलती है किसमें full wave DC. AC is converted into full wave DC. तो ये देखिए half wave rectifier कल कॉलेज में ड्यूटी लग गई आपको कल पढ़ाएंगे और परसों कल सुबह शाम को चार या सवा चार से सवा पौने छः ठीक है ठीक है. कल अभी टाइम डाल दें और संडे को मैं वाले सर का सुबह रहता है अगर जल्दी तो हम जल्दी पढ़ना चाहते हैं सात से नौ पढ़ा दें. तो इन दो टर्म में काफ़ी कुछ खींच दें एक दो दो इस वाले पार्ट का एक बार जल्दी हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर ये टफ है थोड़ा. फुल वेव रेक्टिफायर
भाइयों, तो ये देखिए फुल वेव रेक्टिफायर में ये भी एसी ये आपको मिली फुल व्यू डीसी पहली आप साइकिल में करंट मिली जीरो से दूसरी आप साइकिल पाई से ये क्या कहलाती है फुल वेव डीसी ये है एस तो अल्टरनेटिंग करंट बदली है फुल वेव डीसी एसी इज कन्वर्टेड इनटू फुल वेव डीसी पहली आप साइकिल में भी करंट मिली दूसरी आप साइकिल में डीसी वो तो आप दूसरी आप फर्स्ट हाफ साइकिल में भी सेकंड हाफ साइकिल कैसे मिलेगी वो अभी हम अंदर की बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार के एक है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर एक है आपका ब्रिज टाइप फुल वेव ब्रिज टाइप फुल वेव सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर एक है ब्रिज टाइप फुल वेव सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर एक है ब्रिज टाइप फुल वेव एक है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर एक ब्रिज टाइप फुल वेव सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और एक है ब्रिज टाइप फुल वेव ब्रिज टाइप फुल वेव अब देखिए पूरा हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर में एक पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं ओनली वन पीएन जंक्शन सिर्फ एक पीएन जंक्शन ओनली वन पीएन जंक्शन ये एसी को कन्वर्ट कर रहा है हाफ वेव डीसी एसी को कन्वर्ट कर रहा है हाफ वेव डीसी देखिए कैसे एसी को कन्वर्ट कर रहा है हाफ वेव डीसी सेंटर टाइप वो ब्रिज टाइप वो सेंटर में टेप किया पूरा तो उसका नाम दिया सेंटर और ब्रिज का फॉर्म बनाया जाता है तो वो कहलाता है ब्रिज
एसी को कन्वर्ट किया जा रहा है फुल वेव हाफ वेव डीसी। एक बार देखिए बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर है, एसी है, आपको क्या मिली हाफ वेव डीसी। तो एसी को कन्वर्ट करता है हाफ वेव डीसी, ये वाला फुल वेव रेक्टिफायर एसी को कन्वर्ट करता है फुल वेव डीसी। एसी कन्वर्टेड इनटू फुल वेव डीसी, एसी कन्वर्टेड इनटू फुल वेव डीसी, यहां एसी कन्वर्टेड इनटू हाफ वेव डीसी। ठीक है, अब देखिए जरा इसका फिगर देखिए। हम ट्रांसफार्मर में देखते हैं, ये हमने प्राइमरी, यहां पे एसी, यहां पे हमने पीएम, पीएन जंक्शन डायरेक्ट, पीएन जंक्शन डायरेक्ट, ये है प्राइमरी क्वाइल डीसी। पहली आप साइकिल में पहली आप साइकिल में ए आया पॉजिटिव पर बी आया नेगेटिव, पहली आप साइकिल में एक टर्मिनल में पॉजिटिव पोटेंशियल गेन कर लिया, दूसरे में नेगेटिव, इससे पी को मिला पॉजिटिव, एन को मिला नेगेटिव। ठीक है, तो पहली आप साइकिल में ये फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बाय करंट लोड आर एल से पास। ठीक है, दूसरी हाफ साइकिल, ये फर्स्ट हाफ साइकिल, अब दूसरी हाफ साइकिल जो ये वाली पाई से पाई के बीच उल्टी वाली साइकिल, उल्टा हो गया, ए आ गया नेगेटिव पर बी आ गया पॉजिटिव, इससे पी को नेगेटिव एन को पॉजिटिव, तो ये हो गया। तो दूसरी आप साइकिल में, तो पहली आप साइकिल में जीरो से पाई के बीच में फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन लायो, दूसरी आप साइकिल में देखो ऐसे ये है ओमेगा टी, ये है आपका टी यू, ये जीरो से पाई, पाई से टू पाई, थ्री पाई,
तो पहली आप साइकिल पीएन जंक्शन लाए और आपको करंट मिली फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल में वो रिवर्स बाइंड रहा, फिर फॉरवर्ड बाइंड रहा, फिर रिवर्स बाइंड। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में मिलेगी, सेकेंड हाफ साइकिल में नहीं, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में मिलेगी। ठीक है, देखिए ठीक है, इन फर्स्ट हाफ साइकिल पहली हाफ साइकिल करंट मिलती है, आई नो करंट ऑब्टेन दैट पीएन जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइज और करंट में पहली हाफ साइकिल, दूसरी हाफ साइकिल में करंट में, करंट डज नॉट ऑब्टेन इन सेकंड। पीएन जंक्शन डायोड आपका रिवर्स बाइज, रिवर्स रिवर्स बाइज आपको करंट में, ठीक है, करंट डज नॉट ऑब्टेन इन सेकेंड हाफ साइकिल, करंट नहीं मिलेगी सेकेंड, पहली हाफ साइकिल में मिल रही है, दूसरी हाफ साइकिल में मिल रही है, पहली हाफ साइकिल में करंट मिल रही है, दूसरी हाफ साइकिल में। तो ऐसी करंट को हम क्या कहते हैं, हाफ वेव डी, उसे क्या कहते हैं, हाफ वेव डीसी, हाफ वेव डीसी। अब इसमें एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करेंट, एवरेज वैल्यू को भी पहली हाफ साइकिल में मिली है, दूसरी हाफ साइकिल में नहीं मिली। तो आई डी सी का मान आई नॉट अपॉन, याद कर लें, आई डी सी का मान आई नॉट अपॉन पाई प्रूव होके आता है। अगर सब्जेक्टिव होता तो हम प्रूव कराते, टाइम मैथमेटिकल है, बड़ा प्रूव है क्यों करें। तो आई डी सी बराबर आई नॉट अपॉन पाई, अभी ये संडे को पढ़ा देंगे, कल शाम को पढ़ा देंगे, संडे को हफ्ता फिर अभी तो फैमिली, अभी हम मान के चल रहे हैं, मतलब क्योंकि ये पहले लेसन में ज़्यादा है, दूसरे लेसन तीसरे में और चौथे में कम, फिर वो जल्दी हो जाए, तो पर इसीलिए कल और परसों पढ़ा देंगे। अब देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट पावर, पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। तो
तो आउटपुट में पीडीसी पीडीसी बराबर आईडीसी स्क्वायर आर तो पावर आया पीडीसी बराबर आई नॉट स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर अपॉन पाई I not square upon pi square. I not square upon pi square. 10 मिनट लेट चले जाओ ये लिखवा दे सर को भी फोन कर दे जरा से पॉइंट मुझे I not square upon pi square. अब एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट करंट IAC ये किसके बराबर IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट तो IRMS का मान है I not by फुल वेव रेक्टिफायर में पढ़ते तो I not upon V2 यहां पर है I not upon V2 ठीक है एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट पावर अभी जैसे टाइम बचेगा तो दोबारा जब बताएंगे तो प्रूफ भी थोड़ा बहुत बता देंगे अभी फिलहाल पहले आप याद करने की कोशिश I not by average value of input power. Average value of input power. P बराबर I square R होता है. अब आपने PAC IAC square RL प्लस लोड RL और PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड RL प्लस RL तो PAC I not square by 4 RL प्लस RF PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड वाइज है उसका रजिस्टर रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाय पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस तो एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट पावर पी वन पी ए सी आई ए सी स्क्वायर आर एल प्लस आई नॉट स्क्वायर बाय 4 आर एल प्लस अब आइए जरा बता दें आई नॉट का मान क्या है पीक वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट पी नॉट आर एल प्लस ई नॉट आर एल प्लस ई नॉट आपका पीक वैल्यू वोल्ट पीक वैल्यू है इनपुट पीक वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू ऑफ आर एल लोड रेजिस्टेंस
आर एफ लिखी चुकी है रजिस्टेंस ऑफ मेन पेंशन डायरो इन फॉरवर्ड बायस। अब इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन, ये पॉइंट जरा याद कर लोगे ना तो दूसरा फुटवेट वाला तुम्हारे लिए आसान है। एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन, एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी क्या बराबर पीडीसी अपॉन पीएसी, पीडीसी अपॉन पीएसी। आई नॉट स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर बाई फोर आर एम प्लस आई नॉट स्क्वायर फोर आर एल अपॉन पाई स्क्वायर आर एल प्लस परसेंट में निकालते हैं। इनका परसेंट में निकालते हैं तो 400 अपॉन 22 1 प्लस 5। इससे हम उल्लेख कर सकते हैं तो परसेंट आएगा 40.6%। ये एसी को डीसी में बदल रही है कितना 40.6। पीक इनवर्स वोल्टेज देखिए, पीक इनवर्स वोल्टेज पीक इनवर्स पी आई बी पीक इनवर्स वोल्टेज। तो रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस पी एन जंक्शन पीक इनवर्स वोल्टेज इज ए रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस पी एन जंक्शन। रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस पी एन जंक्शन, पीक इनवर्स वोल्टेज जो है रिवर्स वोल्टेज है अक्रॉस पी एन जंक्शन। मतलब ये वाले में पी ए सी जब लिया जाता है, इनपुट जब लिया जाता है, तो जब आई स्क्वायर आ तो इनपुट में क्या करते हैं आई ए सी स्क्वायर आई आर एम एस लेते हैं आई ए सी स्क्वायर। लोड आर एल तो है ही, पी एन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस दोनों को बात करते तो आर एल प्लस आर एफ, आर एल तो लोड रेजिस्टेंस, आर एफ रेजिस्टेंस ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। जब पी एन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होगा उस समय रिवर्स बायस का तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट जीरो ही होगा, तो फॉरवर्ड बायस का। अब I नॉट की वैल्यू जो होती है I नॉट पीक वैल्यू जो पीक वोल्टेज और लोड प्लस फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस E नॉट अपॉन आर एल प्लस आर एल। अब एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट पावर टू द एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट पावर, आउटपुट और इनपुट पावर का रेशियो, तो इसकी वैल्यू है I नॉट स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर लिखो कीजिए आर एल। इसकी वैल्यू ये है कि आई नॉट स्क्वायर बाई फोर आर एल प्लस आर कट गया 400 अपॉन पाई स्क्वायर 1 प्लस आर एफ अपॉन आर। आर एफ अपॉन फॉरवर्ड वाइज का रेजिस्टेंस स्मॉल रहेगा पर स्मॉल लोड बढ़ा तो ये वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, निगलेक्ट कर दिया तो 400 में पाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया
तो ये आएगा 40.6%। पीक इनवर्स वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस, रिवर्स बायस वोल्टेज पीएन जंक्शन डायोड को पहली बार फॉरवर्ड बायस है वोल्टेज, दूसरी हाफ साइकिल में रिवर्स बायस, तो मैक्सिमम वोल्टेज है, लेकिन पीक इनवर्स वोल्टेज पहली हाफ साइकिल में पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस है तो वोल्टेज रिवर्स बायस का जीरो हुआ, दूसरी हाफ साइकिल में वो फॉरवर्ड रिवर्स बायस है तो वोल्टेज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, यही मैंने कहा पीक इनवर्स वोल्टेज इज ए मैक्सिमम रिवर्स, मैक्सिमम रिवर्स अक्रॉस पीएन जंक्शन पूरी साइकिल, तो पहली हाफ साइकिल में जीरो है और दूसरी हाफ साइकिल में मैक्सिमम पी है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या हुआ देखिएगा, रिपेल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बस हो गया, रिपेल फैक्टर आर बराबर आई आर एम एस डैस अपॉन आई आर एम एस डैस अपॉन आई IRMS dash component of input current, along output. आउटपुट के अंदर इसकी वैल्यू होती है आर का मान आई आर एम एस डैश अपॉन आई डी अंडर रूट आई आर एम एस स्क्वायर आई डी सी स्क्वायर, आई आर एम एस स्क्वायर आई डी सी स्क्वायर माइनस आई आर एम एस का मान आई नॉट बाई टू है, आई आर एम एस का मान आई नॉट बाई टू, आई डी सी का मान याद किया आई नॉट बाई, इसको हमने रखा तो आर का मान आई आर एम एस का स्क्वायर आई डी सी का स्क्वायर माइनस आई नॉट स्क्वायर बाई फोर, आई नॉट स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो आर की वैल्यू पाई स्क्वायर बाई ये वैल्यू आई 1.2, याद रखना रिपल फैक्टर 1.21, वोल्टेज रेगुलेशन, चलो वोल्टेज रेगुलेशन तो ये भाई पॉइंट जाके याद करना है, तो कल शाम को फिर बताएंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 2-3 बार बताएंगे तो याद, तुम लोग भी पहले प्रयास करके याद करोगे, जाओ मैं सर को फोन कर दूँ।